हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनबीसीसी शेयर के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, टेक्निकली देखेंगे स्टॉक किस लेवल के बाद जो है एक शार्प मोमेंटम कर सकता है। तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनबीसीसी के शेयर के ऊपर। एनबीसीसी के शेयर में जो है हम लोगों को फ्राइडे के सेशन में स्टॉक ऑलमोस्ट साइडवेज ट्रेड किया। तकरीबन 1% के गिरावट के साथ जो है स्टॉक 40 रुपीज 85 पैसे पे क्लोज हुआ है। अगर पूरे वीक का कारोबार हम लोग देखेंगे तो प्रीवियस वीक में स्टॉक ने तकरीबन 3% जो है आपको वीकली बेसिस पे गेन किया है, और लास्ट वन मंथ में देखेंगे तो स्टॉक जो है तकरीबन 10% के तेजी के साथ अभी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए अब चार्ट्स के ऊपर बात करते हैं। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग बात करेंगे तो स्टॉक जो है करंटली आपको एक डेली चार्ट पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कि अगर हम लोग बात करें इस स्टॉक का रेंज लोअर साइड में, इस स्टॉक का जो आपको नेकलाइन है वो 39 रुपीज 50 पैसे पे है, और अपर साइड में जो इस स्टॉक का नेकलाइन है वो 43 रुपीज 75 पैसे पे है। तो इस 4 रुपीज के रेंज में जो है स्टॉक आपको काफी टाइम से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर स्टॉक आपको डेली बेसिस पे 43 रुपीज 75 पैसे के ऊपर आपको क्लोजिंग दे देता है, तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को ऊपर की साइड जो टारगेट देखने को मिलेगा वो पहला टारगेट होगा 48 रुपीज का, और दूसरा टारगेट होगा यहाँ पे आपको 54 रुपीज का। अब अगर नीचे की साइड स्टॉक यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है, नीचे की साइड आपको 39 रुपीज 50 पैसे के नीचे सस्टेन कर जाता है, तो फिर इस स्टॉक में जो है हम लोगों को नीचे की साइड आपको जो टारगेट देखने को मिल सकता है, पहला टारगेट होगा आपका 35 का, और उसके नीचे स्टॉक जो है 30 रुपीज के लेवल तक जा सकता है। ये अगर हम लोग बिल्कुल शॉर्ट टर्म में ही बात करें। अगर हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के ऊपर बात करेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो मंथली चार्ट के ऊपर इस स्टॉक में जो है आपको एक काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर इस फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, स्टॉक ने अपना 2017 में हाई लगाया था, उसके बाद से कंटिन्यूसली शार्प फॉल देखने को मिला, वापस से स्टॉक ने बाउंस किया, अगेन यहाँ पे हम लोगों को सेलर्स का जो है सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। लेकिन जो यहाँ पे एक अच्छी बात है, प्रीवियस स्विंग लो जो था वो आपको डिफेंड हुआ है, और स्टॉक वापस से जो है एक हायर लो का फॉर्मेशन किया है। एक शार्प सेलिंग के बाद लो बना, वापस से यहाँ पे आपको बायर्स आए, मोमेंटम गेन करना चाहे, लेकिन यहाँ पे अगेन सेलर्स का आपको सेलिंग प्रेशर बढ़ा, लेकिन यहाँ पे लो हायर लो का फॉर्मेशन ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर इस पैटर्न का हम लोग नेकलाइन देखेंगे तो इस पैटर्न का जो नेकलाइन है वो 60 रुपीज के लेवल पे है। अगर स्टॉक यहाँ पे 60 रुपीज के लेवल के ऊपर मंथली चार्ट पे सस्टेन कर जाता है तो फिर इस स्टॉक में हम लोगों को एक शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जो कि स्टॉक को वापस से नया ऑल टाइम हाई दे सकता है। तो लॉन्ग टर्म पे आपको 60 रुपीज के लेवल को ब्रेक करके क्लोज होने दीजिए मंथली चार्ट को, तभी का वेट करना है। शॉर्ट टर्म के लिए जो है आप यहाँ पे डेली चार्ट पे ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे कि मैंने आपको लेवल्स क्लियरली बता दिया है। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।